भ्रष्ट अधिकारियों पर बिहार सरकार की नकेल। आपको बता दें कि बिहार के दो आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं, बिहार सरकार से क्यों सीख नहीं ले रही झारखंड सरकार। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं झारखंड के कई भ्रष्ट आईपीएस आईएएस। और आपको बता दें कि देश के कई शहरों में झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति है। झारखंड सरकार ऐसे अधिकारियों पर क्यों नहीं कस रही है नकेल, एसीपी को झारखंड सरकार क्यों नहीं दे रही है कार्रवाई का आदेश। आपको बता दें कि न्यूज 11 भारत के पास ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की सूची आई है। झारखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई में क्यों देरी की जा रही है, गुड गवर्नेंस का वादा कर सत्ता में आए हैं सीएम और भ्रष्टाचार पर सीएम हेमंत सोरेन का जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर क्या देश में मिसाल पेश करेंगे सीएम। तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात कही जा रही है, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं गुड गवर्नेंस का वादा कर सत्ता में आए हैं सीएम। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की बात कही गई थी, तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई में क्यों देरी की जा रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर क्या देश में मिसाल पेश करेंगे सीएम। भ्रष्ट अधिकारियों पर बिहार सरकार की नेक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात कही गई थी। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं झारखंड के कई भ्रष्ट आईपीएस और आईएएस अधिकारी। देश के कई शहरों में झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति है। झारखंड सरकार ऐसे अधिकारियों पर क्यों नहीं नकेल कस रही है, ये सवाल खड़े हो रही है। एसीबी को झारखंड सरकार क्यों नहीं दे रही है कार्रवाई का आदेश। न्यूज 11 भारत के पास ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की पूरी सूची है। झारखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी। तो कई भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति कई शहरों में है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई में क्यों देरी हो रही है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर क्या देश में मिसाल पेश करेंगे सीएम। भ्रष्टाचार पर सीएम हेमंत सोरेन का जीरो टॉलरेंस। सीएम बनने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों पर बिहार सरकार की नकेल। तो बिहार के दो आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है, ये बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार से क्यों सीख नहीं ले रही है झारखंड सरकार। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं झारखंड के कई भ्रष्ट आईपीएस और आईएएस अधिकारी। तो कई शहरों में बड़े बड़े अधिकारियों की संपत्ति है। झारखंड सरकार ऐसे अधिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कस रही है। वहीं आपको बता दें कि एसीबी को झारखंड सरकार क्यों नहीं दे रही है आदेश। तो हमारे साथ दर्शक हजारीबाग से सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कहना चाहेंगे आप? जी,
झारखंड में जब से सरकार बनी है, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, सरकार चाहे जिसकी भी आई हो, पर ये हर एक सरकार की कमी रही है कि अफसरशाही इन पर हावी रही है, और यही वजह है कि झारखंड में आज तक कोई भी विकास का काम नहीं हो पाया है। झारखंड में विकास दिख ही नहीं रहा है जी। अफसरशाही हमेशा सरकार के ऊपर भारी पड़ी रही है, सरकार कभी भी इनके ऊपर कंट्रोल लगाम नहीं लगा पाई, अफसरों को अपने हाथ में नहीं ले पाई सरकार, ये बहुत बड़ी कमी रही है जी। सूरज, क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ चाहते हैं कि सरकार जो भी बने कम से कम अधिकारियों के ऊपर अपनी निगरानी रखे, अधिकारी चाहे IAS हो, IPS हो या छोटे क्लर्क हो जी। आए दिन देखने को मिलता है कि यहाँ के वीडियो ने रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं, वहाँ के इंजीनियर रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर दो चार पर भी कार्रवाई होती है तो बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा और शायद भ्रष्टाचार इससे रुक जाए, कुछ लगाम लगे जी। सूरज, लेकिन सीएम जब सीएम पद की ग्रहण कर रहे थे उसके पहले ही उन्होंने कहा था कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। देखिए, ये बोलने और कहने में करने में बहुत फर्क है। ये बोलते इसलिए कि इनको कुर्सी में आना है, सरकार बनानी है इनको अपनी, सरकार बनते ही ये लोग सारे। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं धनबाद से, आप अपनी राय दे सकते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। ठीक है, यहाँ जब भी यहाँ झारखंड में अभी तक कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन या नेता नहीं, अभी इच्छा शक्ति किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं है जो झारखंड को विकास की ओर लेके जाए। यहाँ पर ये सिंडिकेट चल रही है, सिंडिकेट में आपका स्वास्थ्य संस्था, एजुकेशन संस्था या जो भी है प्रशासन, सभी सिंडिकेट या यहाँ का पॉलिटिशियन जो भी नेता है, आप किसी भी नेता, आप IAS IPS को क्यों बोल रही है बार बार कि भ्रष्ट है? आप यहाँ का नेता को क्यों नहीं है? अब यहाँ का नेता को जांच किया जा रहा है संपत्ति को, जो भी आज जो भी गवर्नेंस आज 10 साल 12 साल 15 साल जो भी हुआ है वहाँ का पॉलिटिशियन की संपत्ति को जांच होनी चाहिए। अगर हम बदलाव चाहते हैं, हम लोग सीएम युवा सीएम समझ के हेमंत सोरेन को बनाए थे कि कुछ आशा थी कि झारखंड में कुछ चेंज आएगा, चेंजिंग आएगी। जी, पहले आप अपना नाम बताइएगा मुझे। मैंने अरुण बताया। जी जी अरुण जी, तो क्या मतलब नेताओं पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि नेता ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं? हाँ यस, सबसे पहले उन्हीं लोग को होनी चाहिए। अगर कहीं से भी अगर कोई भी धरातल पर जो भी योजना आती है तो हमारे पॉलिटिशियन बनाते हैं, और पॉलिटिशियन में आप बोलते हैं कि IPS IAS भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारे पॉलिटिशियन का भी तो हाथ है, उनका भी तो हिस्सा है। अगर वो नहीं साफ सुथरा रहते तो फिर IAS है किसी IPS की हिम्मत नहीं होगी। हमारे झारखंड में संपत्ति की कमी थोड़ी है, सब संपत्ति देश के 70% संपत्ति का हिस्सा झारखंड में है, लेकिन झारखंड के लोगों की हालत और दशा और स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन सेवा जो भी है जी। आप देख लीजिए जी, क्योंकि बार बार तो यही बात आ रही है ना कि भ्रष्टाचार के कारण झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, विकास नहीं हो रही जब तक यहाँ के खुद के जो राजनेता है वो जब तक अपने आप में सुधरेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। जी अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। तो अरुण जी का ये कहना है, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे धनबाद से, उनका ये कहना है कि राजनेताओं पर भी नकेल कसी जाए, उसके बाद IAS और IPS पर नकेल कसी जाए। यानी कि भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो सभी सभी की संलिप्तता यहाँ पर दिख रही है, चाहे वो नेता हो या फिर अधिकारी हो, सभी की संलिप्तता यहाँ पर नजर आ रही है। भ्रष्टाचार पर सीएम हेमंत सोरेन ने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और बार बार दर्शकों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कब कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पर या फिर राजनेताओं पर, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो राज्य से और विकास की ओर झारखंड बढ़ता हुआ नजर आए। तो हमारे साथ जामताड़ा से विमल एक दर्शक जुड़े हुए हैं। विमल, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से कार्रवाई की जाए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? मैडम, हम एक
कॉम्प्लेन दिए हुए हैं, व्हाट्सएप में भेजे हुए हैं अभिषेक भारती जी के व्हाट्सएप नंबर में जी, इस पर अभी तक क्या संज्ञान लिया? परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार का मामला है, बहुत गंभीर मामला है जी, इसको थोड़ा सा देखा जाए मैडम जी। जी परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं? हाँ, और व्याप्त भ्रष्टाचार है इसमें मैडम, यहाँ छोटे छोटे जो कंप्यूटर ऑपरेटर और करोड़पति बन बैठे हैं, तो पदाधिकारियों की क्या स्थिति होगी अब जब तक जांच नहीं होगी? जी जी विमल, संज्ञान लिया जाए थोड़ा मैडम जी। ठीक है जी विमल, बहुत शुक्रिया आपका आपने राय देने के लिए। तो लगातार सभी विभाग की बात की जाए, चाहे वो बिजली विभाग की बात की जाए, परिवहन विभाग की बात की जाए, सभी जगह भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं भ्रष्टाचारियों से, उनका ये कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनकी परेशानी खत्म नहीं होगी। बिहार के दो आईपीएस अधिकारी पर नकेल कसा गया, जिसके बाद भी झारखंड के अधिकारियों में सुधार अभी देखने को नहीं मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन सत्ता में आए और गुड गवर्नेंस की बात कहे हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस यहां पर नहीं नजर आ रहा है और लगातार दर्शकों की तरफ से ये कहना है कि हमारे माध्यम से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, दर्शकों की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो पूरे चरम पर पहुंचा हुआ है। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दिलीप। दिलीप, आप अपनी राय दे सकते हैं कि किस तरीके से नकेल कसी जाए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? नहीं देखिए, भ्रष्टाचार तो अगर अगर जैसा आप लोगों ने चलाया है, ये मैं चाहता हूँ कि एक आप जो है एक बार मुख्यमंत्री मंत्रियों को बैठा के और ऑनलाइन पब्लिक से डिमांड ऑनलाइन पूछवाइए, दिन भर एक दिन का कार्यक्रम कीजिए जी, तब आपको मालूम पड़ेगा क्या हालत है झारखंड का, झारखंड कहाँ है जी। दिलीप बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, बहुत शुक्रिया आपका। तो कई शहरों में भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति है और लगातार दर्शकों की तरफ से यही कहना है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाए। बिहार में अगर नकेल कसी गई है तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी ये काम किया जाए ताकि विकास के तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आए झारखंड के। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और अपने राय दीजिए। तो जमशेदपुर से ओम प्रकाश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हम राय देना चाहते हैं कि जो किसान लोगों का लोन माफ किया जा रहा है तो उसमें लोन क्यों नहीं माफ हो जा रहा है जी? किसान लोगों का लोन क्यों नहीं माफ हो जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सरकार तो बोल देती है कि लोन मैंने माफ हो गया, माफी हो गया। ये हेमंत सोरेन बोले थे 15 अगस्त को कि लोन गरीब लोगों का लोन किसान लोगों का लोन माफ हो गया जी। ओम प्रकाश, इस पे भी सरकार अभी कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर आप बता सकते हैं क्या? भ्रष्टाचारियों पर भ्रष्टाचार तो बहुत हो रही है जी, भ्रष्टाचार तो बहुत हो रही है, कुछ मैंने ये नहीं वादा तो बहुत किया था। बड़ा बड़ा अधिकारी लोग अपना एसी में बैठे रहते हैं, गरीब लोग मरते रहते हैं, कोई काम नहीं होता जी। ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय देने के लिए। तो आपको बता दें कि सभी दर्शकों का ये कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है राज्य में, कहीं ना कहीं इससे विकास नहीं हो रहा है और विकास पर अंकुश लग गया है।
तो गुड गवर्नेंस का वादा किए हैं सीएम हेमंत सोरेन, और कहीं ना कहीं काम भी किया जा रहा है उस पर। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कैसे की जानी चाहिए? बताया जा रहा है कि कई शहरों में भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति है। कई दर्शकों का ये भी कहना था कि पहले बड़ी मछली को पकड़ी जाए, उसके बाद छोटी मछली पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो डेवलपमेंट को लेकर के, झारखंड के डेवलपमेंट को लेकर के लगातार बात हो रही है। भ्रष्ट अधिकारियों की बात हो रही है कि भ्रष्ट अधिकारी पर नकेल कब कसे जाएंगे। तो जमशेदपुर से रूप नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप अपनी राय दे सकते हैं। हेलो जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियर आ सके। तो मैं जैसा देखता हूँ कि तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार दर्शकों के फोन आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म की जानी चाहिए, किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार सभी जगह देखने को मिल रहा है, सभी विभाग में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, विकास की ओर कोई भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जब भी फोन करें तो अपने टीवी की आवाज कम कर दें ताकि आपसे बात हो पाए, आवाज आपकी सुनाई दे मुझे। तो टेलीविजन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। भ्रष्ट अधिकारियों पर बिहार सरकार की नकेल कसी गई है। तो जमशेदपुर से रूप नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं अपना राय देना चाहता हूँ मैडम जी, बोलिए। मैं चाहता हूँ अगर विकास, मैंने अगर हम लोग भ्रष्टाचार रोकना ही है, अगर मन से रोकना है, तो उनके लिए कुछ कुछ पहल करना होगा मैडम जी, पहल ऐसा करना होगा। लेकिन मेरा तो आपका स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा मैडम, ये तो किसी और से बात चल रहा है जी, बोलिए। ओ अच्छा, पहल करना होगा मैडम। जैसे कि आपको देखिए, हम जहां भी जाते हैं, आपका कोर्ट जाते हैं कोई काम कराने के लिए, वहां देखते हैं कि बगैर पैसा दिए काम होता नहीं है जी। थाना जाते हैं मैडम, कोई भी छोटा मोटा काम के लिए बगैर पैसा लिए काम होता नहीं है। तो कहने का मतलब है मैडम, हर जगह मतलब आपका पैसा ही के सही के बदौलत ही कोई काम होता है। तो मेरा हेमंत सोरेन से दरखास्त है, माननीय मुख्यमंत्री से है कि आप हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा अपॉइंटमेंट करवाइए ताकि वो देख रेख करे जी। किसी भी डिपार्टमेंट आप जाके देख लीजिए, बेकार पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग सिर्फ बाहर बाहर बात करते हैं, इसको पकड़िए उसको पकड़िए, लेकिन जिसको पकड़िए वो तो सारा सब लोग सब आपस में सब मिली भगत है। कहाँ पर ही आप किसको पकड़िएगा बोलिए, जहाँ पकड़िए वहाँ आपको एक डिपार्टमेंट बनाना होगा, जो हर डिपार्टमेंट जहाँ ज्यादा भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर ये देख रेख करे जी। रूप नारायण जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी संयुक्तता दिखाएगी और
कार्रवाई जरूर करेगी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, क्योंकि वादा किया है राज्य सरकार ने कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाया जाएगा। तो जो खबर हमारे सामने आई है वो ये है कि कई शहरों में भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति है, गुड गवर्नेंस का वादा कर सत्ता में आए और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए, हम आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं भुरकुंडा से, विकास जी आप अपनी राय दे सकते हैं। जी विकास, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए। और लगातार दर्शकों का यह भी कहना है कि एसीबी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। तो हमारे साथ कई दर्शक जुड़े, उन्होंने यही कहा कि सभी विभाग में भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के कहीं काम नहीं होता, जब तक आप कमीशन ना दें तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। तो जामताड़ा से मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी आप अपनी राय दे सकते हैं। राय दे रहे हैं कि अपना भ्रष्टाचार रोका जाए, और जो क्या बोलते हैं विधानसभा में हुआ था सिपाही का, वो क्या बोलते हैं वर्दी भत्ता 10,000 और क्या बोलते हैं 20 दिन का सीपीएल के लिए, वो क्या हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी? जी उस पर अभी सरकार पूरा विचार कर रही है और बहुत जल्दी ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी इब्राहिम जी बहुत शुक्रिया आपका। तो भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति कई शहरों में है, गुड गवर्नेंस का वादा किए हैं सीएम हेमंत सोरेन, और भ्रष्टाचार पर सीएम हेमंत सोरेन कब कार्रवाई करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लगातार दर्शकों की तरफ से भी कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन से उम्मीद है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। तो रांची से हमारे साथ नरेश जुड़े हुए हैं, जी नरेश जी आप अपनी राय दे सकते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए। हमारे झारखंड में हम लोग एक है पान मसाला का बैंड कर दिया गया है जी, पान मसाला बैंड कर दिया गया है, जो कि यहाँ पान दुकान जो सबसे गरीब तबका के लोग में गिनती आती है। हमारे रांची से झारखंड से 60 किलोमीटर दूर जाइए वो पान मसाला खूब अच्छे बिकती है, वहाँ लोगों को बीमारियां नहीं होती है, लेकिन अपने झारखंड में ही बीमारी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इससे हमारे झारखंड में राजस्व भी बहुत आता था। नरेश जी पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दें फिर आप। हाँ इससे हमारे राजस्व में बहुत राजस्व बहुत आता था पान मसाले से, बहुत लोगों का पेट चलता था, बहुत गरीब तबका के लोग पान दुकान करते थे जो आज बंद हो गई कुछ नेताओं के कारण। सबको मतलब इतने लोग हैं, इतने लोग इससे दुखी हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई ठेला चला रहे हैं, कोई बादाम बेच रहे हैं, कोई मूंगफली बेच रहे हैं अपनी पान दुकान बंद कर, लेकिन लोग
अपने राजस्व को भी खो रहे हैं झारखंड में, ऐसा नहीं है, नुकसान झारखंड का भी बहुत है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान रांची में ही है, झारखंड में ही है, झारखंड वासियों को ही है पान मसाले से, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप अगर सिल्ली मोरी पार करते हैं, झालदा पहुंचते हैं तो वहाँ पान मसाला खाते हैं तो वहाँ सेहत बनता है, ऐसा तो नहीं है। जी नरेश बहुत शुक्रिया आपका। हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है वो भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कैसे कसी जाए और उस पर आप अपनी राय दें। और आपको बता दें कि जब भी आप फोन करें तो सभी से अनुरोध है कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम जरूर कम रखें ताकि बात करने में थोड़ी सहूलियत होगी। टेलीविजन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल कसने की बात कही जा रही है। बिहार के 2 आईपीएस पर कार्रवाई की गई है। देवघर से महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए क्या आपकी राय है। भ्रष्ट अधिकारियों के इसीलिए राय दे रहे हैं, अपना जांच होना चाहिए। जी बोलिए। यही यार क्या बोलेंगे। जी महेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। तो सभी लोगों का यही कहना है, जितने भी दर्शक अभी तक फोन किए हैं उनका यही कहना है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। झारखंड में बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी काम करवा लीजिए। तो जरूरी है कि आप तो सरकार से सभी दर्शक अनुरोध कर रहे हैं कि किसी तरीके से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाए ताकि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार ना नजर आए। धनबाद से श्याम लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए और क्या आप अपनी राय देना चाहते हैं इस पर। सर हम यहाँ धनबाद का सहकारी विभाग है ना जी, सहकारी विभाग में एकदम पूरा लूट मचा हुआ है। यहाँ का हजारों आदमी का जोड़ा पकड़ टैक्स में पैसा फंसा हुआ है जी, और उसका न कोई कार्रवाई हो रहा है उस पर न कुछ नहीं, पैसा बैंक में जमा है न एक रुपया किसी को मिल रहा है न कुछ नहीं जी। वो पैसा उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उस पर जांच होना चाहिए कि इस तरह का पैसा जमा करके आखिर पैसा गया कहाँ, किसको दिया, हजारों आदमी का करोड़ों रुपया पैसा फंसा हुआ जी, जांच होना चाहिए। अभी तक उसको 3-4 साल से लिखते लिखते आदमी परेशान हो गया, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। जी श्यामलाल जी बहुत शुक्रिया आपका। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी दर्शकों का कहना है कि कार्रवाई की जाए, पहले बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए फिर छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए क्योंकि इसी तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। तो सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से गुड गवर्नेंस की बात कही गई और अब ये भी आपको बता दें कि बिहार के 2 आईपीएस के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। टेलीविजन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। जरिया से दशरथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए क्या आप अपनी राय देंगे। है कि आप ही के चैनल पर कुछ समय पहले
एक फैक्ट्री के बारे में दिखाया गया था जिसमें मजदूरों को पीटा गया था जी। आप लोगों ने चैलेंज किया कि डंके की चोट पर कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सुबह तक वो जेल में होंगे, होटवार जेल में होंगे जी। दशरथ जी आपको जानकारी दे दे तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, लेकिन आज तक दोबारा उस चैनल पर कुछ समझ में नहीं आया कि उन पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, वो होटवार जेल गए जी। जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी दशरथ जी तो जरूर हम उसे दिखाएंगे, अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये आपके चैनल का नंबर है, ये आपका चैनल का नंबर है ना दशरथ जी? बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि अगर कोई भी खबर दिखाई जाती है हमारे चैनल पर तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाती है, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो जरूर हम आपको दिखाएंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे वो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।